तो ये बना रहे हैं हम हरी चटनी चाट के साथ खाने वाली, कोई भी स्नैक्स के साथ खाने वाली बहुत अच्छी लगने वाली। ये मैंने लिया है 50 ग्राम के करीब धनिया। ये जब मैंने साफ किया उसके बाद मैंने इसको मेजर किया, मतलब उसको वेट लिया मैंने मशीन से, वेइंग मशीन से, और ये मैंने केवल 5 ग्राम लिया है। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमें कितना लेना है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। 50 ग्राम धनिया, 5 ग्राम पुदीना, आधा चम्मच काला नमक, सफेद नमक स्वाद के अनुसार, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1 नींबू का हमने, इस नींबू का हमने रस निकाल लिया है, ये देखिए काफी रसीला है। और ये ली है हमने भुजिया, बीकानेरी भुजिया, जो बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगी इस चटनी को। और आधा चम्मच लिया है हमने जीरा। पानी यूज करके हम इस चटनी को पीसने वाले हैं। तो अब हम जार में डालेंगे ये धनिया, जिसको हमने धो के अच्छे से साफ कर लिया है, पुदीना के पत्ते। इसके बाद हम डालेंगे ये जीरा, अदरक, हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक, काला नमक जरूर डालिएगा, इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और भुजिया और ये नींबू का रस। पहले हम इसको एक बार चलाकर देखेंगे, अगर पानी की जरूरत नहीं है तो हम बाद में पानी डालेंगे, पहले हम एक दो बार ऐसे ही चलाएंगे रुक रुक के। अभी हमने इसको एक दो बार चलाया है क्योंकि धनिया हमने धोया था, उसमें पानी था, तो इसलिए हमने उसमें नहीं डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि पानी की जरूरत है, और इसको फिर से पीसेंगे। हमने इसको पीस लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से पीस गई है, लेकिन थोड़ा थिक है, ये देखिए थिक है, इसलिए हम इसमें और पानी डालेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और देखिए। और हमने इसमें नमक भी टेस्ट करके देखा है कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूं, और एक बार इसको फिर से चला देती हूं। और ये देखिए चटपटी चटनी बनकर तैयार है, कलर आप देख सकते हैं, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए ये यमी सी लगने वाली चटनी कितनी बढ़िया बनी है, फैंटास्टिक। तो आप ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन जाती है, आप किसी की पार्टी कर रहे हैं, कोई स्नैक्स पार्टी है तो आप उसमें ये बनाइए और सर्व कीजिए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।